हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ सम डिजीजेस गेन एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट्स एंड मेक ह्यूमन सफर फ्रॉम द डिजीज. नेम वन सच हेलमेंट्स डिजीज अलोंग विद द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज. सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें बताना है कि एनी वन हेलमेंट डिजीज बताना है एंड उसके साइंटिफिक नेम भी बताना है. सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट. सो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन का, दैट वुड बी हेलमेंट्स. हेलमेंट्स, सो हमारा जो क्वेश्चन है ना, इट इज बेसिकली आस्किंग कि हम एग्जांपल देख हेलमेंट डिजीज का, जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस को थ्रू मस्किटो बाइट. ये आपका क्या मांग रहा है, एक साइंटिफिक नेम भी मांग रहा है. और हेलमेंट्स हमारा क्या होते हैं, दे आर पैरासिटिक वॉर्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग द डिजीज. ठीक है, सो हेलमेंट जो होते हैं आपके पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर. तो सेवरल टाइप ऑफ हेलमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग राउंड वॉर्म्स. राउंड वॉर्म्स जिनको हम क्या बोलते हैं, निमेटोड्स. देन वी हैव टेप वॉर्म जिनको हम बोलते हैं कैस्टिडोज. एंड देन वी हैव फ्लूक्स जिनको हम बोलते हैं ट्रीमेटोड्स. सो कुछ एलिमेंट इजी ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमंस को थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज आपके एक्ट करते हैं एज अ वेक्टर. ठीक है, अब हम बात करते हैं इन द केस ऑफ हेलमेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिट बाय मॉस्किटो. सो यहाँ पे जो मॉस्किटो है ये क्या कॉज करता है, ये कैरी करता है लार्वल फॉर्म. लार्वल फॉर्म होता है इसका ऑफ पैरासाइट. जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को तो वो ट्रांसफर करता है लार्वा को इनटू द पर्सन ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, एंड जहाँ पे लार्वा क्या करता है, डेवलप करता है इनटू अडल्ट वॉर्म एंड उसके बाद डिजीज आपका कॉज करता है. सो एग्जांपल देख लेते हैं हेलमेंट डिजीज का. सो सबसे पहले वी हैव लिम्फेटिक फिलेरिसिस. लिम्फेटिक फिलेरिसिस ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेलमेंट डिजीज है जो ट्रांसमिट की जाती है बाय मॉस्किटोज. बाय मॉस्किटोज एंड इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इट इज कॉज बाय थ्री स्पीशीज ऑफ फिलेरियल नेमेटोड्स जो कि है राउंड वर्म. सबसे पहला आता है वुचिरेरिया पैन क्रॉप्टी. ठीक है, सबसे पहले ये हो गई. देन सेकेंड वी हैव ब्रूगिया मलाई. एंड देन लास्ट ही वी हैव ब्रुगिया टिमोरी. सो ये तीनों के तीनों हैं जो कॉज करते हैं डिजीज, विच इज दी लिम्फेटिक फिलेरिसिस. साइंटिफिक नेम इन ऑर्गेनिजम्स का जो आपका मोस्ट कॉमन कॉजेटिव है, दैट इज वुचिरेरिया बैंक्रॉप्टी. एंड दो अदर स्पीशीज यहाँ पे गिवन है, ये आपके लेस कॉमन होते हैं एंड टिपिकली दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन्स. ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा. क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा था हेलमेंट डिजीज के बारे में. तो डिजीज है हमारी लिम्फेटिक फिलेरिसिस विच इज कॉज बाय वुचिरेरिया बैंक्रॉप्टी. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.